और उधर तेलुगु पुलिस के समर्थन में केंद्रीय और जिला झारखंड पुलिस एसोसिएशन सामने आ गया है, साथ ही धमकी दी है कि अगर तेलुगु पुलिस पर कार्रवाई हुई तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे। तेलुगु पुलिस द्वारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र कुमार झा सहित अन्य की पिटाई के बाद जिला के नेताओं ने गोलबंद होने पर झारखंड पुलिस एसोसिएशन भी तेलुगु पुलिस को बचाने के लिए सामने आ गया है। पीसीआर स्थित जिला झारखंड पुलिस एसोसिएशन कार्यालय में केंद्रीय सचिव कमल किशोर और जिला के पुलिस पदाधिकारियों ने बैठक की, जिसमें भाजपा नेता की पिटाई के बाद परसुडी थाना से हटाए गए पूर्व थानेदार जेपी सिंह के मामले में प्रतिकार किया गया। वहीं जेपी सिंह ने परसुडी थाना में पुनः पदस्थापना की मांग की है, साथ ही पुलिस पदाधिकारियों के मनोबल तोड़े जाने पर इस जिला में काम करने में कठिनाई बताई है। अगर मेरी कोई गलती नहीं है तो मुझे किसी पार्टी विशेष के कहने पर का समाधान नहीं है, या काम करने वाला कोई आदमी है तो उसे फिर किसी जगह पर स्थापन की जाए, और इसकी पुनरावृत्ति नहीं। एक बार इस तरह से होता रहा तो फिर इस जिला में काम करना हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। वहीं केंद्रीय सचिव कमल किशोर परसुडी थाना प्रभारी जेपी सिंह के तबादले पर प्रतिकार प्रस्तुत किया, साथ ही तेलुगु थाना पर पिटाने वाले कांग्रेसियों को छुट भैया नेता कहा और उनको ही दोषी बताया, उन पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही और जंगल राज्य स्थापित करने वाला नेता बताकर अंगरक्षक वापस बुलाने की मांग की है। साथ ही तेलुगु पुलिस पर कार्रवाई होने पर ईंट से ईंट बजाने की धमकी दी है। जयपुर में जो परसुडी थाना प्रभारी जीपी सिंह का जो स्थानांतरण किया गया, बैठक में उसका प्रतिकार किया गया, और दूसरा जो कल तेलुगु थाना परिसर में नाजायज मजमा बनाकर कांग्रेस के कुछ छुट भैये नेताओं के द्वारा कल वहां पर गैर कानूनी परसों की ये घटना है, जो गैर कानूनी कार्य किया गया गणतंत्र दिवस के दिन, यह काफी शर्मनाक बात है। और हम लोग मांग करते हैं कि उन सभी नेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दर्ज होनी चाहिए, और आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि हमारे किसी पुलिसकर्मी या किसी पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध कोई छोटी से छोटी कार्रवाई भी की गई तो वह जिला पुलिस एसोसिएशन के साथ साथ केंद्रीय पुलिस एसोसिएशन को मंजूर नहीं है, और इसके लिए हम लोग आग्रह किए हैं कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए, क्योंकि हमारे पुलिस कर्मियों ने और हमारे पुलिस पदाधिकारियों ने जायज काम किया है, कानून के को बचाने के लिए काम किया है, और यदि कोई कार्रवाई की जाती है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और इसका भरदम इसका प्रतिकार करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। यह निर्णय लिया गया है।